हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको कैसे बढ़ाने, कैसे आप भी इंस्टेंट रिजल्ट पा सकते हैं, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। लगभग 5 से 10 फॉलोअर तो आपके इस वीडियो को देखते देखते भी पूरे हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस सीख लेंगे और एक बार ट्रिक को देख लेंगे तो आपको भी इस वीडियो के एंड से पहले पहले 5 से 10 फॉलोअर आपको यही मिल जाएंगे। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपको डेफिनेटली सारे फॉलोअर्स मिलने वाले हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को फॉलो करते जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। शायद आप ये मेथड पहले से ही जानते हो क्योंकि ये मेथड जो है बहुत पुराना है और आज भी ये मेथड काम करता है, 2020 में भी ये मेथड काम करेगा। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कैसे इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है और आपको पर डे बेसिस पे भी 50 to 100 फॉलोअर्स कैसे लेके आने और आप बहुत ही जल्दी अपने इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचा देंगे और बहुत अच्छे फॉलोअर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रिक से पहले कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम जब से फेसबुक के पास गया है, जब से फेसबुक ने इंस्टाग्राम को लिया है, तब से ऑर्गेनिकल जो फॉलोवर्स होते हैं वो नहीं आते। ऑर्गेनिक फॉलोवर्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब इंस्टाग्राम हमारी पोस्ट को आगे लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुँचाता, ज़्यादा रीच उस पर नहीं आ पाती क्योंकि वो चाहता है इंस्टाग्राम कि हम इस चीज़ के लिए प्रमोशन कराएं। आपने देखा होगा कि अपनी पोस्ट को प्रमोट करने के वहाँ पर ऑप्शन आता है तो इंस्टाग्राम चाह रहा है कि हम वहाँ पर पैसे खर्च करें, इसलिए वहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो फॉलोअर्स आने चाहिए, जो रीच आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ पे कंपनी अपने पैसे बनाने के लिए वो आपको ऑप्शन दे देती है। पर गाइस फिर भी ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक जो हमारे फॉलोअर्स उनको ला नहीं सकते, फिर भी यहाँ पे ट्रिक है, हम इसको यूज करके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लेके आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेथड आपको कैसे करना है क्योंकि ये मेथड मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ और डेफिनेटली इस चीज़ से करने से आपको डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करके देखी और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको भी जान लेना ज़रूरी है कि ये ट्रिक क्या है। अगर आप जानते हैं तो एक बार फिर से अप्लाई करके देखिए क्योंकि ये ट्रिक आज भी काम कर रही है, आज भी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपको दे रही है। अगर आपको नहीं पता है ट्रिक तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। पर डे बेसिस में 50 to 100 फॉलोअर आप गेन कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत ही इजीली। तो चलिए तो अब चलते हैं हमारे मेथड की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक बड़ा थम्सअप दे देना। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे मोबाइल में जाना होगा और हमें अपना इंस्टाग्राम खोलना होगा। मैं अपना मोबाइल ले चुका हूँ। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर खोलना है और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक नया अकाउंट यहाँ पर बनाया है जिसमें 7 फॉलोवर्स आपको दिखने को मिल रहे हैं और 18 फॉलोइंग्स हैं और 12 पोस्ट मैंने करी ताकि थोड़ा जो मेरा जो पेज है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगे, थोड़ा सही लगे लोगों की, ताकि उसमें फॉलोअर आ सके, जेन्युइन पेज होना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा बना दिया, थोड़े से पोस्ट वोस्ट डाल दिए। तो अब हम इस ट्रिक को कैसे यूज़ करें, कैसे इस मेथड को आपको यूज़ करना है ताकि आप फॉलोअर्स मिल जाए। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मुझे अभी के अभी इंस्टेंट फॉलोअर मिलने वाले हैं, वो भी जेन्युइन फॉलोअर्स, कोई भी स्कैम नहीं, कहीं भी आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना, डायरेक्ट मैं इंस्टाग्राम में ही इस ट्रिक को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको जाना है सर्च बार में और यहाँ पर हम किसी पॉपुलर जो है कोई पॉपुलर जो इंसान है, मतलब कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी या फिर कोई भी पॉपुलर इंसान है जिसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स, आपको सबसे पहले उसे सर्च करना है और उसको वहाँ पे फॉलो करना है। तो हम एक बार के लिए कोई मान लें, जैसे भी आप कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी मूवी से रिलेटेड कोई एक्टर एक्ट्रेस, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे कि हम एक फुटबॉल प्लेयर ले लेते हैं, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेते हैं, एक बार हमने उसका पेज सर्च कर रखा है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद आपको सजेशन, सजेस्ट फॉर यू, यहाँ पर आपको बहुत सारे सजेशन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सबको फॉलो करने लगातार। तो गाइस एक बात और ध्यान रखने की, आपको एक दिन में सिर्फ 50 ही फॉलो करने, 50 से कम ही फॉलो करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा फॉलो एक ही दिन में करेंगे तो आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है, एक सस्पिशियस एक्टिविटी में आ सकता है जिससे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है या फिर उसको थोड़े टाइम के लिए बैन कर। तो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं आना, इसलिए आपको 50 से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए आपको 50 फॉलोवर से ज़्यादा नहीं कर रहे एक दिन में। आप एक दिन में सिर्फ 50 करें। यहाँ पर आपको देखिए, मैं यहाँ पे देखिए मैं सबको अब यहाँ पे फॉलो कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे गिन नहीं रहा हूँ कि मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं अभी सबको फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा कि मेरे को यहाँ से फॉलोवर्स बैक मिलेंगे अभी के अभी। तो मैं अभी यहाँ पे सारे फॉलो कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ थोड़े से। तो गाइस यहाँ पे मेरे 18 फॉलोअर थे और यहाँ मेरे 62 फॉलोअर्स हो गए। अब देख रहे हैं थोड़ी देर में ही हमारे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टेड फॉलोइंग, 10 सेकंड पहले ही यहाँ पे स्टार्टेड फॉलोइंग होने लगी है।
तो गाइस यहां पे हम मेन अकाउंट में जाके देखते हैं, और गाइस अब जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे सिर्फ 7 फॉलोवर्स थे, और अभी हमारे 11 फॉलोवर्स हैं। तो यहां पर हमारे फॉलोवर्स आने शुरू हो गए हैं, ये जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, यहां पे कोई फेक फॉलोवर्स नहीं है ये। और यहां पर हमारे देखिए गाइस फॉलोवर्स बढ़ने लगे हैं, 11 फॉलोवर्स हो चुके हैं हमारे, और ऐसे ही हमारे डे बाय डे फॉलोवर्स बढ़ते रहे। मैं एक और बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक हफ्ते में 300 से ज्यादा फॉलो नहीं करने। अगर आप ज्यादा फॉलो कर लेंगे तो आपका अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी में आ सकता है, जहां पर इंस्टाग्राम आपके अकाउंट पे नजर रख सकता है और उस चीज को ब्लॉक कर सकता है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप एक दिन में 50 फॉलोइंग से ज्यादा ना करें, या फिर एक ही टाइम में ना करें, आप काफी टाइम का गैप दें, मतलब 5-6 घंटे या 4-5 घंटे का गैप देके फिर उस चीज को दोबारा करें। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट इंस्टाग्राम के पकड़ में नहीं आए। अगर उसको ऐसा लगा सस्पिशियस काम हो रहा है इस अकाउंट से, तो वो इस चीज को बैन कर सकता है। यही प्रोसेस आपको काफ़ी दिनों तक रिपीट करनी, जिससे आपके फॉलोवर्स डे बाय डे बढ़ेंगे और आपके चैनल की जो है, आपके जो अकाउंट है, आपका जो पेज है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा जो सब आपके जो फॉलोवर्स थे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, काफ़ी अच्छे गेन आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये वाली ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड आप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रोफाइल पर प्रोफाइल फॉलो करने, जो सजेशंस में आते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं आप उनको फॉलो करें। वहाँ पर जो न्यू फॉलोवर, जो मतलब न्यू अकाउंट क्रिएट होते हैं, उनके सजेशंस में आप आने लग जाओगे, वहां आपकी रीच पहुंचने लग जाएगी ऑर्गेनिक वे में, और वहां से जो आपको फॉलोवर्स मिलेंगे वो काफी ऑर्गेनिक होंगे और वो आपको वापस नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आपको अपने फॉलोवर्स को गेन करना है, कैसे बढ़ाना है अपने पेज को, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे देना अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो। गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा करते करते आपकी जो फॉलोइंग से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहेंगे एक साथ कम करना तो ये भी पॉसिबल है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स को आप एक ही क्लिक में सारे फॉलोवर्स को अनफॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनको एक एक करके क्लिक करके अनफॉलो कर सकते हैं। बट आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप इन सभी फॉलोवर्स को कैसे एक साथ अनफॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपके लिए अगली बार फिर एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया तो गाइस अभी कर दें। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, टेक केयर।